फाइट सेवर्स बेसिकली एक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो 13 कंट्रीज में काम करती है. साइट सेवर्स अपने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलकर सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करती है. मध्य प्रदेश में हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, एक जबलपुर, एक कटनी और एक होशंगाबाद, थ्रू अवर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस तरुण संस्कार एंड दलित संघ. साइट सेवर्स का राज्य शिक्षा केंद्र के साथ में एक स्टेट लेवल MOU भी साइन है, क्योंकि हमारा काम ज़्यादा फोकस्ड जो ब्लाइंड बच्चे हैं और विजुअली इम्पेयर्ड मतलब लो विजन बच्चे जो हैं उनके साथ में ज़्यादा काम है. तो हमारा काम MRCs के साथ में और सर्व शिक्षा अभियान RSK के साथ में बहुत ज़्यादा अलाइंड है. बेसिकली हम लोग पहली चीज़ तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना, बच्चों को आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग देना इन एजुकेशन, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद हम साथ में टीचर ट्रेनिंग भी देते हैं. और इस वजह से हम ये पूरा उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो बच्चा है वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में दूसरे बच्चों के साथ क्वालिटी एजुकेशन ले सके. ये हमारा पहला और प्राइम मोटिव है. मैं अगर आपको अपने कुछ एड्स एंड अप्लाइंसेस के बारे में बताऊं तो ये लो विजन बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ एड्स हैं, जैसे कि इन्हें हम बोलते हैं हैंड मैग्नीफायर, ये डो मैग्नीफायर. ये जो शब्द होते हैं उन्हें उभार के लेकर आता है ताकि जो लो विजन बच्चा है वो आसानी से पढ़ सके. टोटली ब्लाइंड बच्चों के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक तो स्वाभाविक बात है ब्रेल का इस्तेमाल होता है, प्लस NVDA सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है. मान लीजिए अगर कोई बच्चा है और वो स्कूल में पढ़ना चाहता है तो हम NVDA सॉफ्टवेयर लैपटॉप में लोड कर देते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी जो पढ़ाई है वो ऑडियोज के माध्यम से पढ़ सकता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दी स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन्स का बच्चा ऑडियो बुक्स कैसे पढ़ सकता है, घर बैठ के भी रिकॉर्डिंग कर सकता है टीचर जो क्या पढ़ा रहा है, इसमें टॉकबैक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से सारी चीज़ें पढ़ सकता है. तो ये हमारा ओवरऑल प्रोग्राम है.